मेरी धोती में घुस गया था और तू कैसे हंसे थे? सांप मेरी धोती में घुस गया था और मैं हंस रहा था। कागज कलम लिख तेरे नाम करूं। केले कितने दूं? एक दर्जन या दो दर्जन? इतने प्यार से पूछती हो, जी चाहता है सारी दुकान ले लूं। देखो हम तो हर पाप बलत है, अगर हमसे कानू भूल चुक हो गई हो तो हमको माफी कर दो। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोरे घर माँ, कहीं न जाओ शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाओ। 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाली और बॉलीवुड अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर की बहन शिल्पा शिरोडकर ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करके अपने फैंस के दिलों में जगह बनाई। लेकिन फिर अचानक वो शादी करके इंडस्ट्री से गायब हो गई। शिल्पा शिरोडकर भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो 1990 के दशक में काफ़ी मशहूर रही। मेरी जानम प्यार करे हम, मेरी जानम प्यार करे हम। शिल्पा शिरोडकर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1989 में फिल्म भ्रष्टाचार से की थी। इसी साल आई फिल्म किशन कन्हैया में शिल्पा शिरोडकर ने बोल्ड सीन देकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में कई फिल्में की। लेकिन उनकी कोई भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। बता दें कि शिल्पा शिरोडकर पूर्व मिस इंडिया नम्रता शिरोडकर की बहन है। शिल्पा और नम्रता ने मनोरंजन की दुनिया में एक साथ कदम रखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि शिल्पा फिल्मों में आ गई और नम्रता मॉडलिंग में आ गई। और जब तक नम्रता फिल्मों में आई तब तक शिल्पा फिल्मों को अलविदा कह चुकी थी। फिल्म भ्रष्टाचार में इन्होंने एक अंधी लड़की का रोल किया था। अनिल कपूर के साथ उन्होंने 1990 में सुपरहिट फिल्म किशन कन्हैया में भी काम किया। राधा बिना है किशन अकेला छोड़ नहीं। और उसके बाद उन्होंने 1990 के दशक में काफ़ी हिट फिल्मों में काम किया, जैसे त्रिनेत्र, हम, कागज कलम लिख तेरे नाम, दिल ही तो है, आंखें, पहचान, गोपी किशन, मृत्युदंड और इनकी आखिरी अभिनीत फिल्म गजगामिनी थी। फिल्में फ्लॉप होने के कारण उनका करियर भी डूबता चला गया। शिल्पा शिरोडकर ने साल 2000 में यूके बेस्ट बैंकर अपरेश रंजीत से शादी कर ली थी। शादी के बाद वो लंदन में ही रहने लगी। कटता नहीं है दिन, कटती नहीं है मेरी रातें, कैसे मैं भुलाऊं अब। उनकी एक बेटी भी है। अपनी शादी के उपरांत उन्होंने 10 साल के अंतराल के बाद टीवी में काम करने का निश्चय किया था और वापस मुंबई आकर उन्होंने एक टीवी शो एक मुट्ठी आसमान में भी काम किया। शिल्पा शिरोडकर को भले ही बहन नम्रता जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में जितने भी साल काम किया खूब नाम कमाया। छन छन मेरी चूड़ियां बजे, मेरी चूड़ियां बजे, मेरा दिल कल रात में खो गया, मैं ढूंढती फिर रही। लेकिन मोटापे और बढ़े वजन के कारण शिल्पा शिरोडकर ने खूब रिजेक्शन भी झेला। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में अपने सफर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, मेरी, हेलो हेलो हैंडसम फेलो,
और बताया था कि 90s में इंडस्ट्री के लोग उन्हें मोटी बुलाते थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म दिल से का एक गाना है छैया छैया, जो शाहरुख खान के साथ फिल्माया जाना था। वो गाना उन्हें ऑफ़र हुआ था, लेकिन फराह खान ने उन्हें रिजेक्ट कर मलाइका अरोड़ा को साइन कर लिया। शिल्पा सिरोडकर से सवाल किया गया था कि उनके हाथ में छैया छैया गाना कैसे निकला। जवाब में उन्होंने बताया कि भला कौन चाहेगा कि छैया छैया गाना उनके हाथ से निकले, जिसमें शाहरुख खान थे। लेकिन फराह खान उस गाने के साथ आईं और उन्होंने कहा कि वो मुझे इस गाने में लेना चाह रहे थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मोटी है। इसीलिए उन्होंने मलाइका अरोड़ा को साइन कर लिया। जरूरी काम है। इसके बाद शिल्पा से सवाल किया गया कि अगर वो आज यानी 2023 में डेब्यू करती तो कैसा रिएक्शन होता। इस पर शिल्पा बताती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि मेरे वज़न या फिर मैं जैसी दिखती थी। उसकी वजह से मेरी सक्सेस या फिर मुझे मिले प्यार का पैमाना तय हुआ। 90 के दशक में इन चीज़ों के कोई मायने नहीं थे। मैं हो गई 18 साल की। हम एक समय पर एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। अगर मुझे आज के समय में डेब्यू करना होता तो मुझे लगता है कि आज मुझे काम ही नहीं मिलता। सोचिए, 90s में वो लोग मुझे मोटी बुलाते थे, अभी तो पता नहीं भगवान जाने की क्या बुलाते। शिल्पा शिरोडकर आगे बताती हैं। कैसे आए गोरी हम तोरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोरे घर से खेलू मैं ना कपना, होठों को छुलू मैं ना कपना, ओ बालों से तुमसे बिछड़ के लगने लगा है कैसे। कि आज अगर वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं तो इसके पीछे मिथुन चक्रवर्ती का हाथ है। वही अनिल कपूर ने भी उनकी बहुत मदद की थी। उन्होंने उस वक्त को याद करते हुए कहा, मुझे याद है कि 90 के दशक में एक तेलुगु फिल्म की कास्टिंग चल रही थी और अनिल कपूर हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे। वो मेरी फ़ोटो एल्बम लेकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास गए और मुझे वो फिल्म मिल गई। मैं आज इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो इसकी वजह मिथुन दा और अनिल कपूर है। जब मेरे हाथ से सौतन की बेटी और बोनी कपूर की फिल्म जंगल निकली तो इंडस्ट्री ने मुझे मनहूस बता दिया था, लेकिन दादा थे जिन्होंने मुझे भ्रष्टाचार में रोल दिलवाया और इंडस्ट्री में मेरे खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हुई।